नेक्स्ट टेंस है हमारा फ्यूचर टेंस. फ्यूचर मीन्स आने वाला. ये भी फर्दर फोर कैटेगरीज में डिवाइड है, इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. फ्यूचर इनडेफिनेट या फिर सिंपल फ्यूचर की पहचान क्या रहती है? गा, गे, गी. फॉर एग्जाम्पल, करेगा, करेगी, करेंगे, लाइक दिस. लेट्स टॉक अबाउट द रूल्स. पॉजिटिव में इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल, जो कि हेल्पिंग वर्ब्स है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एंड ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, वो गाना गाएगा, ही विल सिंग अ सॉन्ग. नेगेटिव में इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. नॉट लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, दैट इज विल शैल के बाद. फॉर एग्जाम्पल, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, I will not go to the market. Next comes interrogative. Interrogative में question mark पूछते हैं, questions पूछते हैं, तो helping verb आगे आते हैं. Will shall plus subject plus verb की first form, object and question mark. For example, क्या हम खेलेंगे? Will we play? Question mark. Next आता है future continuous. Future continuous. कॉन्टिन्यूस में हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज करते हैं. इसकी पहचान रहती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. प्रेजेंट में हम लिखते हैं रहा है, पास्ट में हम लिखते हैं रहा था. रूल्स है इसके पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ बी लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग. नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब विल शैल. नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट. नॉट के बाद भी आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, वह पढ़ नहीं रहे होंगे, दे विल नॉट बी स्टडिंग. विल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है. इंटेरोगेटिव, विल शैल हेल्पिंग वर्ब आगे आते हैं, सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, क्या राम सो रहा होगा? विल राम बी स्लीपिंग? क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट कम्स फ्यूचर परफेक्ट. परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. पहचान रहती है इसकी हिंदी में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. रूल्स हैं इसके पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल, इसके बाद हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट आता है. फॉर एग्जाम्पल, वह बाजार जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन टू मार्केट. गॉन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन. नेक्स्ट कम्स नेगेटिव. नेगेटिव का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, वह गा नहीं चुका होगा, ही विल नॉट हैव संग. नेक्स्ट इंटेरोगेटिव, विल शैल हेल्पिंग वर्ब आगे आते हैं, सब्जेक्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, क्या वे खेल चुके होंगे? यहाँ पे वे क्या है? प्लूरल. विल दे हैव प्लेड? क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट कम्स फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस एंड इसमें हम टाइम रेफरेंस बताते हैं, जो कि है सिंस एंड फॉर. सिंस यूज होता है एग्जैक्ट टाइम के लिए या फिर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. फॉर यूज होता है एस्टिमेशन या आइडिया के लिए या फिर पीरियड ऑफ टाइम के लिए. फॉर एग्जाम्पल, फॉर टू डेज, फॉर टू आवर्स, लाइक दिस. पहचान रहती है इसकी, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे. रूल्स हैं इसके पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, हैव आएगा, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ऑब्जेक्ट एंड टाइम रेफरेंस, दैट इज सिंस एंड फॉर. फॉर एग्जाम्पल, वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा. अब 2 बजे, दैट इज टाइम गिवन है, हमें प्रॉपर बताया हुआ है. लेट्स ट्रांसलेट इट. ही विल हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock. सिंस कब यूज होता है? जब हमें एग्जैक्ट टाइम गिवन होता है. लेट्स प्रोसीड टू नेगेटिव. इसका रूल है
सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट एंड टाइम रेफरेंस दैट इज सेंस एंड फॉर. फॉर एग्जाम्पल वे सुबह से नहीं चल रहे होंगे. लेट्स ट्रांसलेट दे विल नॉट हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग. लेट्स प्रोसीड टू इंटरोगेटिव. यहां पे विल शैल आगे आता है सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी ऑब्जेक्ट एंड टाइम रेफरेंस एंड क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल क्या वह 2 सालों से मेरे साथ रह रहा होगा. अब यहां पे वो बात कर रहे हैं 2 सालों से. लेट्स चेक एंड ट्रांसलेट विल ही हैव बीन स्टेइंग विद मी फॉर 2 years क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे फॉर क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे 2 साल बताए हैं, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, एक आइडिया लेके बताया है, एस्टिमेशन के साथ बताया है, इसलिए हम फॉर यूज कर रहे हैं.